हार्टफुल कम्युनिकेशन के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। पहले सत्र में हमने चेतना की आवश्यकताओं के बारे में जाना था और आज हम कम्युनिकेशन के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में सीखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या हम लोग शांत हो सकते हैं? लगता नहीं है कि कोई मुझे सुन रहा है। ठीक है ना, आज हम सुनने की कला के बारे में जानने जा रहे हैं। आप शायद स्टीवन आर कॉनवे के उद्धरण को जानते हैं और उन्होंने कहा कि अधिकांशतः लोग इसलिए सुन रहे हैं ताकि वे जवाब दे सकें, इसलिए नहीं सुन रहे कि वे समझने की कोशिश करें। और मैं यह मौजूद होने के साथ शुरू होता है, जितना संभव हो उतना खाली होने के लिए तैयार होने के साथ। मेरा मतलब है, हम वास्तव में कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। भले ही हम खाली ना हो सकें, लेकिन उसे अलग रखने के लिए, तैयार रहने के लिए, उन सभी एजेंडों को अलग रखने के लिए जो हमारे दिमाग में हर समय घूम रहे हैं, वह सब हटा देने के लिए और कहने के लिए कि इस पल में मुझे वास्तव में अपने पूर्ण अस्तित्व, अपनी चेतना, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपना खुले दिल, अपने दिमाग के साथ उपस्थित होने की कोशिश करनी है। मुझे देखना है कि क्या मैं वास्तव में इस दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मौजूद रह सकती हूँ। संभव है कि वहाँ केवल एक ही व्यक्ति ना हो और उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। तो एक तरह से ये बड़ा ही सरल है। ये ऐसा है कि मुझे यह समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए वे अभी कह रहे हैं। उनमें से एक चीज़ जिसे हमें वास्तव में बहुत ही तेज़ी से छोड़ देने की ज़रूरत है, वह है हमारी राय। हमारे पास हर चीज़ के बारे में राय होती है और इसमें मैं खुद को भी अवश्य शामिल करती हूँ। और एक चीज़ जो इसमें तुरंत ही एक बड़ा अंतर पैदा करती है, वह है कि अगर हम अपनी राय को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी वह तात्कालिक राय, जो कोई जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है या अन्य किसी भी चीज़ के बारे में बन जाती है। इसलिए जब हम सुन रहे हैं, हम मौजूद हैं, हम मुक्त हृदय हैं, जितना संभव हो हम उतना रिक्त हैं। हमारा इरादा कनेक्शन स्थापित करने का है, समझने का है, और हम भी उन चीज़ों में से एक जो हम हार्टफुल संवाद में करते हैं, वह है कुछ ऐसी चीज़ों को देखना जिन्हें मैं सर्किट ब्रेकर कहना पसंद करता हूँ। प्रतिक्रिया के ऐसे अभ्यस्त रूप जो प्रवाह को तोड़ते हैं, जो कनेक्शन को तोड़ते हैं, सर्किट ब्रेकर, ऐसी चीज़ें जैसे कि अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ, यह एक स्मृति को ट्रिगर करता है। मेरा मतलब है, आप इसे हर जगह सुनेंगे, ओह मेरे साथ ये हुआ। या वे अपने परिस्थिति के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं जो समान नहीं है, यह वैसी ही है लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। तुरंत अपना अनुभव बताना शुरू कर देना, यह सबसे सामान्य प्रतिक्रियाओं में से एक है। और सहज ही फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको कुछ बताना चाह रहा था, पूरा ध्यान उस व्यक्ति से हटकर आप पर आ जाता है। और इससे पहले कि आप जान सकें कि क्या हुआ है, वक्ता श्रोता बन जाता है। जो श्रोता था वह वक्ता बन जाता है और पूरी बात उलट गई है, और वह व्यक्ति जो शायद कुछ बताना चाह रहा था, वह शायद आपके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहा होगा। ये बहुत ही आम बात है। तो यह एक सर्किट ब्रेकर होगा और एक दूसरा जाहिर है तत्काल मरम्मत करना है। खैर, मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप शुरू करें, आपको ये कर लेना चाहिए। एक अन्य होगा इसके लिए क्षतिपूर्ति करेगा। कम से कम आपको और मुझे याद है कोई व्यक्ति जिसे गहरे दुख के साथ एक इंजीनियरिंग दुर्घटना के बाद अपना एक हाथ कटवाना पड़ा था। और मुझे याद है कि किसी ने कहा, ओ कम से कम उनके पास दूसरा हाथ तो है, इसलिए ये क्षतिपूर्ति, यहाँ तक कि यह सांत्वना देना कि यह सब ठीक हो जाएगा। अब सबसे आम बात है कि यदि कोई नाराज़ है तो कहना कि आप नाराज़ ना हों। यदि कोई चिंतित है तो आप चिंता ना करें। यह ऐसा होने जैसा है जैसे मान लीजिए आपकी कोई भावना है, कोई अपनी भावना व्यक्त कर रहा है और तुरंत ही कोई कहता है, ऐसा महसूस मत करो।
मैं उस बात के बारे में वास्तव में शर्मिंदगी सी महसूस कर रही हूँ। ओह, आप शर्मिंदा मत होइए। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ इसलिए ऐसा महसूस न करें। एक और व्यक्ति बहुत सारे सवाल पूछ रहा है जो सिर्फ तथ्यात्मक हैं। कोई पूछता है वे IHC.U में है, उन्हें कोई समस्या हुई है। ओह, वह किस अस्पताल में है? वही। यह उस आंकड़े की तरह है जो व्यक्ति को उसकी भावना की उस अवस्था से बाहर ले जाता है जिस अवस्था में वह था। और वे प्रश्न जो लोग पूछते हैं वह आमतौर पर उनके खुद के लिए हैं, ताकि उन्हें अनुभव में स्थिति का एहसास हो सके। तो ये सर्किट ब्रेकर जो बहुत आम हैं, जो हर समय आते रहते हैं, कनेक्शन को बाधित करते हैं और जाहिर है कि तब हम आगे की बात नहीं कर सकते। वे संवेदनशीलता का गहराई से ध्यान देकर सुनने का हिस्सा नहीं है। अब तक जो सब कहा गया है उसके बावजूद उस प्रकार के व्यवधान आम तौर पर एक परवाह करने वाले व्यक्ति से आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के अनुभव से जुदाव चाहता है। मान लेते हैं कि वह व्यक्ति कुछ ऐसा व्यक्त कर रहा है जो उसके लिए दर्दनाक या समस्या का कारण है। एक अन्य प्रकार की आदत होती है कि सब ठीक हो जाएगा। यह परवाह करने वाले की तरफ से आता है जो सहानुभूति, सांत्वना और आराम देने की इच्छा रखता है। यह सामान्य तौर पर उचित समय का मसला है, क्योंकि उस पल वह व्यक्ति वास्तव में जिस चीज़ को चाहेगा वह समानुभूति है। बस यह कि वैसी प्रतिक्रियाएं वहां पर नहीं हैं और आप अपनी पूर्ण उपस्थिति दे सकते हैं, जिसके मायने होंगे कि आप लगभग मौन रहकर सुनते रहें जब तक कि आपकी आंखें उनके लिए नम हैं और संवाद करती हैं, उबाऊ नहीं होती। कभी कभी लोग कहते हैं आंख से संपर्क बनाए रखें, लेकिन आप जानते हैं कि यह बहुत डराने वाला हो सकता है, खासकर अगर सामने ऐसा कोई है जो बहुत कोमल है, कोई ऐसा जो बहुत संवेदनशील है। आप उन्हें घूरते हुए नहीं दिखना चाहेंगे, इसलिए आपकी आंखों को दिखाई पड़ेगा कि वह कोमलता वहां पर मौजूद है, लेकिन हमेशा आपके खुलेपन की वह भावना मौजूद नहीं है। आपका शरीर जो आपकी मौजूदगी का ही हिस्सा है, आप कुछ आवाज़ें निकाल सकते हैं जैसे हमीम ओहो, यहाँ तक कि वे सहानुभूतिपूर्ण आवाज़ें जो यह संदेश देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उनकी पूरी बात सुनने के इच्छुक हैं, जब तक कि फिर आप स्वयं ही संपर्क नहीं खो देते, जो तब संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति बिना रुके आधे घंटे तक बोलता रहता है। वहाँ बने रहने की हमारी अपनी क्षमता का वास्तव में अक्सर परीक्षण किया जाता है, और उस स्थिति में इसे बातचीत को बंद कर देने के बजाय हम बस अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के ज़रिए व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, अभी मेरा ध्यान इस ओर गया है कि मैं थोड़ा भ्रमित होने लगा हूँ, मैं संपर्क खोता जा रहा हूँ और मैं वास्तव में संपर्क में बने रहने में सक्षम होना चाहता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम कुछ पलों के लिए ब्रेक लें? दूसरे शब्दों में, आप व्यक्त करते हैं कि उस पल में आपके भीतर प्रामाणिक रूप से क्या चल रहा है, क्योंकि वह कनेक्शन के हित में है। तो भले ही आप सुनने और ग्रहण करने की स्थिति जारी नहीं रख सकते हैं, आप कहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप नज़र ऊपर घुमाएं और रुक जाएं। आप सोचें कि मैं इससे कैसे बाहर निकलने जा रहा हूं, इसलिए जब आपको विराम लेने की ज़रूरत होती है तो आप उसे व्यक्त करते हैं। हालांकि यह देखना आसान है कि क्यों इनमें से कुछ चीज़ें कनेक्शन को तोड़ देंगी, यह समझना मुश्किल है कि भला कैसे कुछ यह सब ठीक हो जाएगा, जैसे अच्छे अर्थ वाला होकर भी एक सर्किट ब्रेकर हो सकता है। यह सब ठीक होने जा रहा है में एक प्रकार की एंडिंग क्वालिटी है, जैसे यह सब ठीक होने जा रहा है। आप जानते हैं यह कहानी के अंत की तरह है। दूसरे शब्दों में, चिंता मत करो, यह सब अब नियंत्रण में है। कई बार ऐसा होता है जब कोई कहता है कि यह सब ठीक होने जा रहा है, यह बहुत आरामदायक, बहुत आश्वस्त करने वाला महसूस हो सकता है। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह अक्सर उचित समय की बात होती है, लेकिन लोग संभवतः इसे अपने एकदम पहले कथन की तौर पर कह सकते हैं कि यह सब ठीक होने जा रहा है। और शायद इस व्यक्ति को इसके बारे में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, कि उन्हें 30 सेकंड से अधिक सुनने की क्षमता की ज़रूरत है।
जब कोई कहता है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, जो शायद अंत में होता है, वास्तव में अक्सर तब क्या होता है जब आप वास्तव में किसी को सुनते हैं कि यह सब ठीक होने जा रहा है। कथन श्रोता की ओर से नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति से आता है जो बोल रहा है, क्योंकि एक तरह से वह समानुभूति जो सीधे कनेक्ट होती है वहाँ से, जहाँ वे उस पल में मौजूद हैं, बजाय उन्हें वहाँ ले जाने की जल्दी करने के जहाँ वे नहीं हैं। तो जब आप ये सुनने की भांति है, मेरी समझ में ये अनुसरण करना है, आप नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप अनुसरण कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी उपस्थिति प्राप्त करने के लिए, अनुसरण करने के लिए है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अक्सर क्या होता है, क्या वह व्यक्ति सिर्फ आपकी उपस्थिति के माध्यम से है और आपकी वहाँ मौजूद रहने की इच्छा उनकी भावनाओं और ज़रूरतों से कनेक्ट होने के लिए है, समानुभूति के लिए है। ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, उनका इसे अपनी समझ के अनुसार ग्रहण करना संकल्प नहीं हो सकता, बल्कि उस पल मात्र के लिए पूरा होना है। आप कह सकते हैं कि वह इस क्षण व्यवस्थित महसूस करने के लिए काफ़ी है। तो वे शायद ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि वास्तव में यह सब ठीक होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि यह उन्होंने कहा है, आपने नहीं। अब आइए वार्तालाप की एक वानगी देखें, जहां आप इन सर्किट ब्रेकर्स में से कुछ को क्रियान्वित होते देखेंगे। नमस्ते मानवी, तुम्हें पता है मानवी, मुझे आज अपने मैनेजर से एक मेल मिला और ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ओह, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, लेकिन इतनी चिंता मत करो। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरा मतलब है, कल मेरे पास एक नौकरी थी, मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, मैं भविष्य में बहुत सारी योजनाएं बना रहा था। ओह, दरअसल मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता अभी भी काम कर रहे हैं, है ना? कम से कम तुम्हारे माता पिता तो काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, वे काम कर रहे हैं, लेकिन यह पैसों की ही बात नहीं है, ये मेरे अपने पैरों पर खड़े होने, अपने फैसले लेने, अपना परिवार बनाने और भविष्य की योजना बनाने के बारे में है। आप जानते हैं क्या, चीजों के उजले पक्ष को देखें। अब आपके पास समय होगा, आप उस समय को कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं। संभव है कि आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं। AI अब बहुत बड़ी चीज बन चुका है, आप उसमें कुछ कर सकते हैं, इससे मदद मिलेगी। हाँ, AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन नौकरी छोड़कर नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मैं अगली नौकरी के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे अभी याद आया कि जब मैंने अपनी नौकरी खो दी थी तो मैंने उस समय का उपयोग यात्राएं करने में किया था। तब मैंने भारत भर में यात्रा की और यह बहुत मजेदार था, शायद आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। यह अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन मेरा तो अपने बिस्तर से हिलने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं अभी यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने लिए कोई बहुत अच्छा उपाय सोचो हर्ष, इसे मानो कि तुम केवल विश्वास बनाए रख सकते हो और यह प्रार्थना कर सकते हो कि एक रात सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो भी हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्शन टूट गया है, अब उसी बातचीत की एक और वानगी देखते हैं कि जब वह दूसरा व्यक्ति मौजूद है, सुन रहा है और व्यक्त की जा रही जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते मानवी, आज मुझे अपने मैनेजर से एक मेल मिला और ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं 5 साल से कंपनी में था और हर साल मुझे बहुत अच्छी समीक्षाएं मिल रही थीं और मैं अगले स्तरों पर पहुंचकर नेतृत्व के पद संभालने की योजनाएं बना रहा था और इससे मुझे अपने अगले उद्यम में वास्तव में मदद मिलती। मैं तो वर्तमान के बारे में सोच रहा था, यह अचानक ही समाप्त हो गया, अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति लगती है, क्या आप इस वक्त तनाव में हैं? नहीं, वास्तव में मैं तनाव में नहीं हूँ, मैं तो बस मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद अगले 5 सालों तक उसी कंपनी में रहने की योजना बनाई थी और फिर अपना खुद का उद्यम शुरू करने की, और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे उस वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता थी, मेरे पास अभी उस तरह का पैसा नहीं है और अब मैं किसी और फर्म में, मैं अपने रिज्यूमे में इस तरह निकाले जाने की जानकारी के साथ नहीं जा सकता, इसलिए मुझे नहीं पता। तो शायद आप इस बात को लेकर बहुत उलझन में हैं कि अभी क्या करें, और शायद आपको किसी तरह की सहायता और मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, दरअसल मैं वास्तव में उलझन में हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी सहायता भी वास्तव में मददगार होगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है। मुझे लगता है कि मेरे एक चाचा जो इसी क्षेत्र में हैं,
अगर मैं उनसे बात करूं, तो यह वास्तव में मदद करेगा और हाँ, मैं ऐसा करूंगा। वास्तव में इससे मुझे बहुत स्पष्टता और समर्थन मिलेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानवी, इससे मुझे वास्तव में मदद मिली, धन्यवाद। यह दर्शाता है कि समानुभूतिपूर्वक सुनना वास्तव में किसी की मदद कैसे कर सकता है। हमने लिज किंग्स नॉर्थ से यह भी पूछा कि क्या डीप लिसनिंग, ध्यान से सुनने और ज़रूरतों के प्रति सचेत रहने से उनके जीवन में किसी विशेष स्थिति में मदद मिली है। मैं स्कॉटलैंड में एक घर में रहती थी जिसमें पिछवाड़े तक पहुंच केवल मेरे पड़ोसी के आंगन या घर के अंदर से ही थी। मेरे आंगन, मेरे पीछे के बगीचे में कोई बाहरी प्रवेश द्वार नहीं था और मैंने हाल ही में यह घर खरीदा था और मैं पीछे के बगीचे में एक बड़ा नवीनीकरण करना चाहता था और मेरे पड़ोसी, जिनकी पहुंच मुझे चाहिए थी, ने सहमति व्यक्त की थी कि कामगार सामान उठाकर आ सकते हैं। ये भारी सामान था, ये सीमेंट के बैग थे, ये पत्थर, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, मिट्टी थी, हर तरह की चीज़ें उसके बगीचे से होकर मेरे बगीचे में आनी थी। इस प्रोजेक्ट को लगभग 2 हफ्ते हो गए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। और मैं एक सुबह उठी और पाया कि उसने हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच के गेट को ताला डालकर बंद कर दिया था। सिर्फ बंद ही नहीं किया, बल्कि उसे हर तरह के गार्डन फर्नीचर और लकड़ी और इसी तरह की चीज़ों से घेर दिया था। दूसरे शब्दों में, जब मेरे लोग सुबह आने वाले थे तो कोई रास्ता ही नहीं था कि जिससे वे मेरी प्रॉपर्टी में घुस पाएं। और मैं उसे बाड़ के पीछे से आवाज़ करते हुए सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी कि वह वाकई गुस्से में था। तो मैंने सोचा, ठीक है, मुझे बाहर जाकर इस आदमी की बात सुननी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे जाना होगा और उससे बात करनी होगी, लेकिन मुझे जाकर इस आदमी की बात सुननी होगी और पता लगाना होगा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। इसीलिए मैं बाहर जाती हूँ और वह वहाँ मौजूद होता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मैं बहुत ही तटस्थ टिप्पणी के साथ शुरू करती हूँ और कहती हूँ, जॉन, मैंने देखा कि आज सुबह गेट में ताला लगा हुआ है और मुझे बस इतना ही कहना था। और वह एक प्रकार के विस्फोटित रॉकेट की तरह शुरू हो गया और वह ऐसी बातें कह रहा था कि आखिर ये बेवकूफ़ लोग कौन हैं और यह सब कब तक चलेगा। मुझे लगा कि यह अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए और आपने मुझे समय सीमा का कोई संकेत नहीं दिया है और वे सभी यहाँ आते हैं और अपना समय लेते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि वे कौन हैं। यह उसकी पहली बात थी। ठीक है, तो अब मुझे उसकी भावनाएं सुननी होंगी, जो बहुत स्पष्ट हैं, और वह जो चाहता है वह नहीं हो रहा है। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, लगता है कि तुम वाकई बहुत गुस्से में हो जॉन, क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि ये लोग कौन हैं और तुम चाहते हो कि तुम्हें स्पष्ट रूप से पता हो कि हमें किस समय सीमा में रहकर काम करना है। क्या यह सही है? तो क्या आप देखते हैं मैं सिर्फ वही सुन रही हूँ जो उसके लिए मायने रखता है? और उसने कहा, हाँ, ठीक है। और फिर उसने कहा, तुम मेरे बगीचे में वह शेड देख रही हो, वह मेरा होम ऑफिस है। उसने कहा, मेरा कंप्यूटर वहाँ है या मेरा काम वहाँ है ताकि मैं लेखन कार्य कर सकूँ। तो आप चिंतित हैं, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जो कीमती हैं, जो मूल्यवान हैं, वे सुरक्षित हैं। और उसने कहा, हाँ, यही बात है, बेशक। क्या आप देख रहे हैं कि मुझे हाँ मिल रही है? और मैं सिर्फ औचित्य नहीं बता रही हूँ, मैं किसी भी तरह से बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ कि उसके लिए क्या मायने रखता है। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा, देखो ये सब, इसे देखो, ये सारे पत्ता गोभी हैं। यहाँ मेरा एक किचन गार्डन है, छोटे छोटे पौधे यहाँ पर उग रहे हैं और वे लोग अपने बड़े बड़े बूट पहन कर यहाँ आ रहे हैं। आप जानती हैं, वह लोग हर जगह पर चल फिर रहे हैं। तो फिर मुझे अब उसकी ज़रूरतों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ, तो आप वाकई चाहते हैं कि वे लोग ध्यान रखें और आप अपनी संपत्ति पर जो कर रहे हैं उसका सम्मान करें और वे लोग यह समझें कि यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वे लोग अपने रास्ते पर ही चलें? हाँ, उसने कहा, इसलिए हर बार मुझे सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि उसके लिए क्या मायने रखता है।
अब उसकी ज़रूरतें, आपको कहानी जल्दी ख़त्म करने के लिए बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ दो और आदान प्रदान थे जहां वह कुछ कह रहा था। वैसे उसकी रेंज कम हो रही थी, वह हर बार घट रही थी, हर बार सिर्फ दो बार, और बातचीत में बस उसकी ज़रूरतों, उसकी भावनाओं और उसकी आवश्यकताओं से जुड़ रही हूँ। अब क्या आप चिंतित हैं? क्या आप नाराज़ हैं? क्या आप वह हैं जो उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी हो सकता है? और फिर उसने कहा, ठीक है तो मुझे बता दिया करें कि आपके लोग कब आ रहे हैं और मैं गेट खोल दूंगा। इसमें 5 मिनट लगे, बस इतना ही लगा। और मैं भी हैरान थी कि मैं कितनी जल्दी किसी की ज़रूरतों से बिना खुद का बचाव किए जुड़ सकती हूँ। दूसरे शब्दों में, समानुभूति रखते हुए, जल्दी से महसूस करके, अपना काम करते हुए, और जाहिर है आपको इसे तुरंत सही तरीके से करना होगा। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि मैं अभी यह समझ रहा हूँ आप व्यथित और परेशान महसूस कर रहे हैं। नहीं, यह आदमी वाकई गुस्से में है, इसलिए मुझे भी उनकी ऊर्जा से तालमेल बैठाना था। यह समानुभूति का हिस्सा था कि उनके साथ इस तरह का जोश कायम रखना था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित थी और वे अपनी बात के पक्के थे। और जब कामगार लोग आए तो उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर मेरा अगला योगदान यह था कि मैं पहचानूं कि वह क्या चाहते थे और कहें, अच्छा ठीक है, मैं इस संबंध में यह करने जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में, उन ज़रूरतों को तब कार्रवाई में तब्दील करके मेरी ओर से कुछ ऐसा करने की कोशिश की ज़रूरत है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करे। इसीलिए मैंने कहा, जब वे आएंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपको पर्यवेक्षक और लोगों से मिलवाया जाए। मैं उनसे पूछूंगी और बात करके आपको बताऊंगी कि उनकी समय सीमा क्या है। मैं उनसे कहूंगी, जब वह लोग यहाँ आए तो कृपया केवल इसी रास्ते पर चलें और आप लोग जितनी शीघ्रता से संभव हो सके उतनी शीघ्रता से यहाँ से निकलें, और कृपया हर उस चीज़ का सम्मान करें जो कुछ भी आप बगीचे में देखते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर प्रस्ताव रखे जिन्हें मैंने पूरा किया, और फिर उसी क्षण से वह परियोजना सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी और सब काम पूरा हो गया। और वह सुनहरी चाबी जिसने सारा अंतर पैदा किया, वह थी चेतना की ज़रूरतों को समझना और यह पहचानना कि वह आदमी बुरा आदमी नहीं था, वह आक्रामक आदमी नहीं था, वह अनुचित भी नहीं था। वे सभी अन्य बातें जो मैं उसके बारे में अपने मन में कह सकती थी, बस यह कि कुछ चीज़ें वास्तव में उसके लिए मायने रखती थीं। सम्मान, गोपनीयता, देखभाल, स्पष्टता की उसकी ज़रूरतें, ये उसकी ज़रूरतें थीं। और फिर यही मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ, इससे संबंध बनता है, समझ बनती है। तब इस आदमी ने महसूस किया कि उसे समझा गया, पहचाना गया और उसके लिए जो मायने रखता था उसका सम्मान किया गया। मुझे अपना दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत ही नहीं थी उस समय, इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मेरे लिए क्या मायने रखता है, जो कि कार्य को पूरा करने की कोशिश करना था। मुझे उसे इसके बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं थी। यह कहना आग में घी डालने जैसा होता कि अच्छा मेरा क्या। तो इसके लिए भी मुझे लगता है अपने अंदर एक तरह के आत्मसंयम की भावना की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा भाव कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपने को अंदर से पर्याप्त संसाधन संपन्न महसूस करता हूँ कि मैं अपनी ज़रूरतों को एक तरफ रख सकता हूँ। मुझे उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए जागरूक रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद उस स्थिति में हूँ जिसे हम समानुभूति की कमी कहते हैं, अगर मैं खालीपन महसूस कर रही हूँ और यह कि मुझे कोई नहीं समझता, तो किसी और के साथ समानुभूति रख पाना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी खुद की समानुभूति का प्याला पर्याप्त रूप से भरा नहीं है तो मेरे पास किसी और को देने के लिए कुछ भी कैसे बचेगा। यही कारण है कि हार्टफुल कम्युनिकेशन में हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम यथासंभव अपने भीतर केंद्रित रहें, ये कि हम अपनी ज़रूरतों के बारे में जागरूक हैं, कि हम स्वयं को समानुभूति दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपातकालीन फर्स्ट एड आत्म समानुभूति भी उस क्षण में दे सकते हैं जब हम स्वयं अपनी ज़रूरतों से कनेक्ट होने में सक्षम होते हैं, ताकि हमारे पास केंद्रित होने की भावना हो, जो तब उपस्थिति में जाहिर हो सकती है। और एक तरह से मैं कहूँगा कि उपस्थित होना, वास्तव में उपस्थित होना लगभग ज़्यादातर चीज़ों का उत्तर है।
एक तरह से ये सुनने से पहले आता है, ये अन्य किसी भी चीज़ से पहले आता है, ये सिर्फ केंद्रित होने की इच्छा की भावना है। ठहराव का उपयोग करने के लिए समय लें, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि मेरे पास ठहराव के लिए समय नहीं है, इसमें बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। और ठहराव के उस क्षण में अपने हृदय से कनेक्ट होना, खुद को यह याद दिलाना कि मनुष्य अधिकांशतः हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं, बस हमने यह भाषा नहीं सीखी है, हमने यह जागरूकता नहीं सीखी है, हमें अपने जीवन में विभाजन और द्वैत के संदर्भ में सोचने की आदत हो गई है। आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जो चीज़ों को करने के सही और गलत तरीके हैं आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वह गलत या सही है, तब वहाँ पर वह अलगाव होता है। और मार्शल रोसेनबर्ग, जो अहिंसक संवाद के प्रवर्तक हैं, जो कि हार्टफुल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उन्होंने कहा कि अधिकांश समय मनुष्य यह खेल खेल रहे होते हैं कि कौन सही है कौन सही है, और फिर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूँ, और इसलिए दूसरा व्यक्ति गलत हो जाता है। जाहिर है कोई भी गलत होना पसंद नहीं करता, तो ठीक यहीं पर अलगाव हो जाता है। तो यह ज़रूरतों की यह जागरूकता एक ऐसा तरीका है जिससे आप इस खेल को बदल सकते हैं, जिसे हम अक्सर खेलते रहते हैं अंक जीतने की चाहत में, सही होने की चाहत में। और जो मैंने पाया है और जो अन्य लोगों ने भी जाना है, वह यह है कि वास्तव में मुझे मिठास शब्द पसंद है। गलत होने में भी एक मिठास है, गलत होने के लिए तैयार रहने में, क्योंकि तब आप रिश्ते को जीतने के अंकों से ऊपर, सही होने से ऊपर रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, यदि आप सही हैं और आप यह साबित करते हैं कि आप सही हैं, और दूसरा व्यक्ति किसी तरह से शर्मिंदा या असहज या अपमानित महसूस करता है, तो आपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है। क्या केवल बहस जीतने के लिए ऐसा करना उचित है? मुझे तो नहीं लगता। इसके साथ ही हम हार्टफुल कम्युनिकेशन के इस दूसरे सत्र के अंत में पहुंचते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और अगले सत्र के लिए हमारे साथ जुड़ें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में, अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें, अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए, जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ रही है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें यह ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में, उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है, और आपका पेट, अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है, इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में, अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। वो
ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है, वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है, इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं